नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर आएंगे इस वक्त की कुछ खास बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ धाम में विविध ऋचाओं का वाचन बंद हो गया है। गुप्त मंदिरों में अब पूजा अर्चना होगी और आपको बता दें कि कल कपाट भी बंद हो जाएंगे। आज लक्ष्मी मंदिर में भोग का आयोजन होगा, वहीं कल दोपहर 3:35 पर जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में विविध ऋचाओं का वाचन जो है बंद हो जाएगा और गुप्त मंत्रों से पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही साथ कल कपाट भी बंद किए जाएंगे। आज लक्ष्मी मंदिर में भोग का आयोजन भी किया जाएगा, वहीं कल दोपहर 3:35 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का वाचन बंद और गुप्त मंत्रों से पूजा अर्चना की जाएगी और कल कपाट भी बद्रीनाथ धाम के बंद हो जाएंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर, जहां पर यूनियन बैंक में हुए घोटाले का मामला सामने आया है। बताना चाहेंगे कि चिन्याली स्टोर से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मैनेजर और कैशियर ने दस्तावेज में गड़बड़ी की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूनियन बैंक में हुए घोटाले का ये मामला है और चिन्याली स्टोर से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मैनेजर और कैशियर ने दस्तावेज में गड़बड़ी की थी और अब इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। साथ ही साथ पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। तो दिल्ली दरबार से बड़ी खबर है, यूनियन बैंक में हुए घोटाले का मामला और चिन्याली स्टोर से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और मैनेजर और कैशियर ने दस्तावेज में गड़बड़ी की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ड्यूटी से नजारा 14 संविदा चालकों की सेवाएं समाप्त हुई हैं। बिना कोई सूचना दिए लंबे समय से अनुपस्थित थे और नोटिस देने के बाद भी 14 चालक काम पर नहीं लौटे। एआरएम सभी की सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बरेली जिले से जहां पर ड्यूटी से नजारा 14 संविदा चालकों की सेवाएं अब समाप्त कर दी गई है। बिना कोई सूचना दिए लंबे समय से अनुपस्थित बताए जा रहे थे और इसी के चलते एक नोटिस की बात भी सामने आई है। नोटिस देने के बाद भी 14 चालक जो है वो काम पर नहीं लौटे और एआरएम सभी की सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई है। बड़ी खबर मिर्जापुर से, जहां पर 39 लाख के साइबर फ्रॉड के मामला एक जो है वो सामने आया है। पकड़े गए आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। 39,000 अधिकारियों का डाटा चोरी किया गया है और साइबर ठगों ने कई अफसरों की जो सूची है वो भी बना ली गई थी और सूची में जज, आईएएस, आईपीएस समेत कई सैनिक अफसर भी बताए जा रहे थे जिनसे साइबर ठगी की गई है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त मिर्जापुर से, जहां पर 39 लाख के साइबर फ्रॉड मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है और पकड़े गए आरोपियों ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि 39,000 अधिकारियों का डाटा चोरी किया गया। साथ ही साथ साइबर ठगों ने कई अफसरों को अपना निशाना बनाया है। उनकी पहले एक सूची जो है वो तैयार की गई और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो सूची तैयार की गई है अपराधियों से वो उसमें जज, कई आईएएस और आईपीएस समेत कई बड़े अफसर भी हैं। यहाँ तक कि सैनिक अफसर भी सूची में बताए जा रहे हैं। तो साइबर ठगी का एक बड़ा मामला हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर 39,000 अधिकारियों का डाटा जो है वो चोरी किया गया है और पकड़े गए आरोपियों ने इसका एक बड़ा खुलासा जो है वो किया है। तो मिर्जापुर से बड़ी और अहम खबर, जहां पर 39 लाख के साइबर फ्रॉड मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है और पकड़े गए आरोपियों ने इसका खुलासा किया है। 39,000 अधिकारियों का डाटा चोरी किया गया और सबसे पहले जो साइबर ठगी थे, जो ठग थे वो एक सूची तैयार करते नजर आए, जहां पर सूची में जज, कई बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस समेत कई सैनिक अफसर भी उनकी सूची में संबद्ध बताए जा रहे थे।